much snow. ये देखो गाइस कितना सुंदर है, इसमें ना बहुत सारे कलर के हैं। तो ये सब इंडिया जाने के लिए रेडी हो चुका है हमारा 12 किलो का सामान। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं। जैसे आप देख सकते हो मैं बहुत स्लीपी लग रही हूँ, बिकॉज अभी मैं सुबह सुबह उठ के आई चाय बनाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, मैंने धीमे रखा हुआ है। गाइस हमारे बैकयार्ड में लगा हुआ है काम, बन रहा है ग्लास का वरांडा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा एक रूम बन रहा है। आज तक पूरा दिन यही काम चलेगा। और उसके बाद जो आपने बिग अनाउंसमेंट में सुनी है बात कि हम इंडिया जाने वाले हैं, तो आज मैं ये सारा काम फिनिश होने के बाद पैकिंग वैकिंग और शॉपिंग वॉपिंग करूँगी। तो पूरा दिन ये काम चला है और कुछ इस तरीके से लग रहा है, अभी बन रहा है। बिफोर एंड आफ्टर बहुत टाइम बाद आएगा, बिकॉज उसके बाद फ्लोरिंग का भी काम होना है, पर वो हम इंडिया से आके करवाएंगे। पतिदेव का चल रहा है ऑफिस, बेबी मायरा रेचल से क्लासेस ले रही है, और मैं यहाँ चाय बना ही रही थी, मेरी नजर बाहर पड़ी, ये देखो यार, ये देखो, दिस इज आवर ब्यूटीफुल नीदरलैंड, कितना सुंदर लग रहा है। आपको बाहर ही लेके चल के दिखा देती हूँ। ओ माय गॉड, वो बच्चे का झूला बोला वहां पे भी। पूरी आईज वाइप करनी पड़ रही है गाड़ी से, हमारी गाड़ी पे भी पूरी आईज आ गई है। इतनी गाड़ियाँ आ रही है ना, सबके ऊपर कुछ ना कुछ लगाए हुआ है, देखो इनकी गाड़ी में भी लगा हुआ है। बर्फ ही बर्फ भाई, आईज आईज बेबी हो गया आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना, उनकी कार में भी पूरा आईज आईज लगा हुआ है। क्या देख रहे हो बेबी? क्या देख रहे हो? आवाज कर रहे, क्या कर रहे देखो? Oh my God, this is really beautiful. क्लासरूम बन गया है और इसके बनने का बहुत फायदा हो गया। गाइस देखो मैं पूरे बाहर आके आइस के मजे ले रही हूँ, और मैं यहाँ बैठ के पूरा देख सकती हूँ आराम से आइस बिना ठंडी खाए। छोटी छोटी स्नो दिखाई थी आज, देखो हमारा बैकयार्ड, और वो देखो राइडिंग वाले साइकिल, और वो ना वो हम लेके आए थे कुछ इक्विपमेंट्स रखने के लिए, टूल्स रखने के लिए, बॉक्स अंदर रखना भूल गए, और वहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ हो गया है यार। माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बर्फ में मजे ले रही हूँ और इतना अच्छा वेदर लग रहा है ना यार, अमेजिंग वेदर है। वाह, नीदरलैंड में जीने की ये जो मजे है ना, ये किसी को नहीं मिलते, जो यार रहता उसी को मिलते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड रात में सो, सुबह उठो और ये बर्फ ही बर्फ। नहीं आना है, ठंडा है। वाह, चलो 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 चलो, लेट्स गो। वाह, ये चलते चलते पैर, मायरा को ठंडा लगने लगा, फिर मैं उसे अंदर लेके चली गई, और वो फिर से एक्साइटेड हुई जब पापा आए।
अभी मायरा फिर से एक्साइटेड हो गई और पापा के पीछे पड़ी हुई है। चलो स्नो 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 के पीछे भाग रही है। रुको तो पहनानी पड़ेगी पापा। फिर से एक्साइटेड हो गई है। इनको दिन दिन में थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जाने का मन हो रहा है। हाँ जाओ जाओ गो। मायरा अभी तो पिघल गई है, बहुत पिघल रही है। Throw this on Papa. मैं पापा के ऊपर बैठते हैं। लो लो मयू, चलो पापा को पकड़ते हैं। ये take it, take it. You take it. ये मयू run. ये वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना। कल पूरा बर्फ गिर रहा था और आज हल्की हल्की सी धूप आ रखी है। बाहर माइनस में टेम्परेचर है पर घर के अंदर अच्छा लग रहा है। अगर ग्लास वाली विंडो के पास खड़े हो ना तो बहुत अच्छा अच्छा सा वार्म वार्म वाली फीलिंग आ रही है। और मैं ऑल सेट हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं भी जा रही हूँ शॉपिंग करने जा रहे हैं। बिकॉज आप लोग को पता है ना हमारा ट्रिप प्लान है, ट्रिप के लिए हमें शॉपिंग करनी है। तो करते हैं इंडिया की शॉपिंग। बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, मयू की कजन्स के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चॉकलेट्स लेनी है क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि चॉकलेट लेके जरूर आना। तो सबके लिए प्यारे प्यारे से चॉकलेट्स लेनी है और कुछ 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 सामान लेना है। तो जाती हूँ शॉपिंग। वी आर कमिंग टू इंडिया, आई एम सो सो एक्साइटेड। तो अभी मेरी फ्रेंड आ रही है और मैं उसके साथ निकलूंगी शॉपिंग करने के लिए। ट्रैवल के लिए लड्डू बना लिए हैं, तो ये लड्डू जस्ट कल बने हैं और इस बार तो मैंने लास्ट टाइम से भी कम मीठा डाला है। मतलब इतना कम मीठा डाला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इन लड्डुओं में ना सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं और थोड़ा सा गुड़ है। तो मैं इसे ट्रैवल में मयू के लिए लेके जाऊंगी। तो ये लड्डू मैंने ले लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने ट्रैवल का सामान ले लिया है, जैसे कि कुछ केक्स ले लिए हैं बच्चे के लिए, केक ले लिया है, ये रखा है मायरा के लिए ताकि वो रास्ते में इंगेज रहे। थोड़ा थोड़ा सा हमने सामान ले लिया है, तो ये सब चीजें लेके जाएंगे। ये बेबी मायरा यहाँ पे सो रही है और प्लान ये है कि मैं अभी निकलूंगी अपनी फ्रेंड के साथ। एक डेढ़ घंटा मैं अकेले शॉपिंग करूंगी। जब ये सो के उठेगी तो इनके पापा का ऑफिस भी ओवर हो जाएगा, तो फिर ये भी वहां पे पहुंचेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है और हम अपना घर जैसा है वैसे छोड़ के जा रहे हैं। और जब वापस आएंगे ना तो सब चीजें इंस्टॉल करेंगे और नई चीजें ऑर्डर करेंगे। अभी पूरा घर खाली ही छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ कपड़े रखे हुए हैं और जो थोड़ा बहुत सामान हम उस घर से लेके आए थे, सोफा और ये जो टेबल वेबल है, बस यही यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है अभी इसमें। और नीचे का ही एक कमरा हमने सेट किया था, थोड़ा रहने लायक किया था, किचन कमरा, ऊपर का वॉशरूम, और बाकी वो चारों कमरे एज इट इज पड़े हुए हैं। तो अभी कुछ भी नहीं किया है। हाँ, हमारा फाइनली पेंटिंग का काम हो चुका है तो एक रिलैक्स है। तो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं पैकिंग करूंगी ना तो आप देख लोगे कि मैंने क्या किया है पेंटिंग का काम। तो मैं चलती हूँ गाइस, नहीं तो बातें करने बैठेंगे ना तो आप लोगों से तो बातें करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं फटाक से जाती हूँ, सामान ले लेती हूँ, फिर पैकिंग भी करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और बर्फ ना अभी पूरी तरीके से पिघली नहीं है, जो गिरी थी ना वो पूरी तरीके से अभी पिघली नहीं है। मैं दिखाती हूँ, आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं है। देखो अभी भी बर्फ वैसे की वैसी ही है, अभी पूरी तरीके से पिघली नहीं है। नहीं, यही वाला पहन लेती हूँ, ज्यादा सही लगता है, सो यही छोड़ देती हूँ। लेट्स गो। बाहर भी बर्फ नहीं पिघली है यार, और हमारी गाड़ी पे एज इट इज। हम लोग निकल रहे थे उस दिन गाड़ी लेके, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ हमारी गाड़ी में है। तो गाइज यहाँ पे ना ऐसी बर्फ गिरी हुई है ना, आप देख रहे हो, और इसमें सब स्लिप हो रहे हैं, ये पूरा जमी हुई है। और हम शॉपिंग करके जस्ट अभी घर आ गए हैं।
चलो 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 सामान रख दो सारा। जस्ट आए हैं घर और बेबी मायरा के लिए मैं बहुत प्यारी प्यारी से सैंडल लेके आई हूँ और बेबी मायरा बहुत खुश है। तो सेम सेम सैंडल बॉयज के लिए ये लेके आए हैं जो मायरा के कजन ब्रदर्स है। मायरा की जो सिस्टर है इंडिया में, मायरा की बुआ की लड़की, तो उसके लिए हमने ऐसे प्रिटी प्रिटी से सैंडल्स लेके आया। और सैंडल हमने मायरा के लिए भी लिए, देखो आप, ये नेल पेंट्स लिए हैं, कुछ 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 प्यारे प्यारे से चश्मे ले रखे हैं। और ये ना मायरा की इंडिया वाली सिस्टर के लिए है मल्टी कलर। ये देखो गाइस कितना सुंदर है, इसमें ना बहुत सारे कलर के हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, 12-12 कलर्स के नेल पेंट है। और बेबी का इसमें मन आया हुआ है। और हमने बहुत सारी और भी शॉपिंग की, बहुत सारे परफ्यूम्स और चॉकलेट ले रखे हैं और मायरा बहुत एक्साइटेड है। आज है ना मुझे नहीं बनाने दे रही हमारे शॉपिंग वाला ब्लॉग। ले रखा है बेबी मायरा के लिए पिलो जो कि हम फ्लाइट में यूज करेंगे, और अपने लिए ये जो हमारे पुराने वाले हैं ना पता नहीं कहाँ रखे हुए, सिफ्टी में कुछ मिल नहीं रहा है तो हमें कुछ कुछ लेना पड़ा। और आप देखिए बेबी मायरा का न्यू वाला सूट। मायरा आपने दिखा दो न्यू वाले, 24 नंबर ले रखा है मायरा के लिए। मायरा दिखाना, तो मायरा बहुत एक्साइटेड है, पहन के बैठी हुई है। इतनी सारी शॉपिंग चल रही है ना, मुझे लग रहा है अभी और भी करनी पड़ेगी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी शॉपिंग चल रही है कि मुझे लग रहा है 1-23 किलो का लग रहा है कि सामान ही सामान होने वाला है। एक्चुअली मैं हमने अपने लिए भी ले रखा है, पापा से ना इसे सीजर से कट करवा दो, ये टैग निकलवा के लेके आओ। जो मैंने स्टीकर ले रखा है मायरा की सिस्टर के लिए, लिया है पॉपअप, ये इसे अभी नहीं दिखाएंगे, डिज्नी का है ये, हमने इसको रास्ते में देंगे। तो ये जिप वाला है, इसमें मायरा का सामान रख सकते हैं और रास्ते पर खेल सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे, ताकि ना रास्ते में मायरा का मन लगा रहे। इतना प्यारा एक पर्स ले रखा है गाइस, ये देखो ये डिज्नी वाला है। और ये हमने प्लान किया है ना कि हम जब डिज्नीलैंड जाएंगे तब मायरा ये लेके जाएगी, पर मैंने अभी से ले लिया है, जिसमें मायरा के डायपर छोटा मोटा और सामान आ जाएगा। बहुत खूबसूरत है, इसमें मिनी माउस बना हुआ है, तो ये डिज्नी का है, बहुत सुंदर सा है और वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मायरा पीछे टाक के एयरपोर्ट में जाएगी। अपने नए घर के लिए ये हमने अपने किचन के लिए ले रखा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमने घर की भी शॉपिंग कर ली है। और मेरे को जो सबसे अच्छा लगा, ये मैंने अपना, मैंने बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी क्लोथ में नाइट सूट ले रखा है, तो ये मैं इंडिया में पहनूंगी। अभी इसमें कलर नहीं पता चल रहा है बिकॉज ऑरेंज लाइट है, तो ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, तो मुझे ना इस तरीके के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये ले रखा है। ये हबी के लिए है, और ये तो सब ऑफर में, कुछ कुछ चीज़ें तो हमने ऑफर में उठा ली और कुछ बिना ऑफर के थे। ये हबी के लिए ब्लैक कलर का एक टी शर्ट लिया है जो कि गर्म है, और ये ब्लू कलर का है और ये भी ऑफर में है, और ये रॉयल ब्लू है बिकॉज ऑरेंज लाइट यहाँ पे जल रही है इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। और ये एक जैकेट है हबी के लिए, मेरा टैडी बियर, ये टैडी वाला जैकेट पहन के जाएंगे, तो ये उनके लिए है पतिदेव के लिए, तो ये भी बहुत क्यूट है गाइस, कलर ऐसा है, और ये वेलवेट वाले कपड़े का है और आगे जिप है ऐसे, ये बहुत क्यूट है, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। फाइनली उन्होंने कुछ ऐसा लिया जो मुझे पसंद है। और एक हमने ये ले रखा है, इसमें हम टूथपेस्ट और टूथब्रश ये सब रखेंगे, और इसमें हम रखेंगे यूटेंसिल वॉश करने वाला लिक्विड, इसमें हैंड वॉश और इसमें टूथब्रश। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमने ले रखी हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स हैं और कुछ सीरम है, कुछ चॉकलेट्स हैं, तो कुछ कुछ चॉकलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो ये सब इंडिया जाने के लिए रेडी हो चुका है हमारा 12 किलो का सामान। और इस तरीके की कुछ लिपस्टिक है, बहुत सब तो बहुत है, पर अब क्या दिखाऊँ सबको, वहाँ जा के देना है मुझे, तो कुछ सरप्राइज भी होना चाहिए, तो अब सारा नहीं दिखाती हूँ, इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी एक जैकेट जरूर दिखा दूँगी अगर मेरे पति देव मुझे हेल्प कर देंगे, वो ना स्ट्रॉलर के नीचे रखी हुई है, अगर ये निकाल देंगे तो आपको मैं अभी दिखा दूँ। मीनवाइल हम लोग देख रहे हैं ये सीरीज, बहुत ही अमेजिंग सीरीज है, तो अभी ये चल रही है, बढ़िया बन रहा है यहाँ पे पनीर मशरूम और कैप्सिकम की सब्जी और चावल। तो आते ही पहले मैंने बनाया था बर्गर,
बर्गर और चाय, और हमने खाया उसके साथ ये यमी यमी लड्डू। तो ये लड्डू ऐसे मैंने बना रखे हैं जो कि हमने ट्रेवल के लिए बनाए हैं, अगर बच जाएंगे तो। मायरा के लिए ये छोटा सा क्यूट सा आया है टॉय। और गाइस इस टॉय की खासियत क्या है पता है आपको, कि इसके अंदर ना ये देखिए आप पीछे से है, और इसके अंदर ना गर्म पानी वाला बैग है। तो ये हमने ले रखा है एक मायरा के लिए। ये लो भाई ये जैकेट, बहुत खूबसूरत सी एक ब्लैक जैकेट ली है, मुझे नहीं पता कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये शॉर्ट जैकेट है, कुछ इस तरीके का ये जैकेट है गाइस जो कि मैंने ले रखा है, तरीके का ये जैकेट है गाइस ये मैंने ले रखा है, बहुत प्यारा सॉफ्ट, ये देख रहे हो आप एकदम बढ़िया वेलवेट वाले कपड़े में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बेबी मायरा को हमारे साथ खेलना कूदना है और काफी लेट हो चुकी है, हमने आपको अपनी इंडिया की शॉपिंग दिखा दी है, नेक्स्ट ब्लॉग में होगी पैकिंग और फिर हम फ्लाई करेंगे इंडिया के लिए। मायरा को कैंडी चाहिए तो हम पहले से कैंडी देते हैं और ब्लॉग एंड करते हैं। इक्की वाले बैग में है मायरा आपकी कैंडी। तो गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।